फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट बन चुका है और ब्रेकफास्ट बनने के बाद मैं जो भी बर्तन है ना उनको साइड निकाल दे रही हूँ और आज मैं लंच का प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी ही करूँगी क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी है। तो उन्होंने क्या किया है ना, अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है, वो लंच जल्दी ही करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ब्रेकफास्ट स्किप किया हुआ है तो उन्हें भूख जल्दी लग जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ब्रेकफास्ट बनने के बाद जो किचन है उसको मैं जल्दी से थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ और जितने भी ये जो बर्तन है ना उसको भी मैं साइड हटा दे रही हूँ ताकि जो मेड है ना उसको फटाफट से मिल जाएगा। वो मतलब अगर मैं उसको नहीं निकाल के दूँगी तो वो खोजेगी भी नहीं और फिर जूठे बर्तन जूठे ही रह जाएंगे। तो इससे बेटर है कि मैं सारे बर्तन को हटा दूं। और ये देखिए, मार्केट से आज हस्बैंड लेके आए हैं मटन क्योंकि आज उन्हें लंच में मटन खाना था। तो यहाँ पे मैं मटन का प्रिपरेशन करूँगी। ऐसे तो मटन जो है ना वो हमारे यहाँ पे बहुत कम ही आता है क्योंकि मटन ज़्यादा खाना भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कभी कभार ये उसको अपने डाइट में रखे तो वो ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मटन आ चुका है तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन कर लूँगी। और कोई भी नॉन वेज आता है ना तो उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं और एक दो पानी से नहीं, कंटिन्यू कम से कम 4-5 बार उसको धोना पड़ता है क्योंकि नॉनवेज है ना तो गंदगी तो रहती है। और अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग इसको गर्म पानी से भी धोते हैं। तो ये देखिए, फटाफट से मैं क्लीन करके उसको एक दूसरे बर्तन में भी डाल दे रही हूँ और सारा जो गंदा पानी है उसको हटा दूँगी। ऐसे तो मटन जो है ना वो सबका ही फेवरेट होता है। ये एक ऐसा डिश है ना कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन ये ना हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान भी होता है। तो इसको ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है। तो कभी कभार खाओ तो चलता है, अच्छा लगता है। मुझे भी पर्सनली मटन बहुत पसंद है, हस्बैंड को उतना ज़्यादा नहीं है मगर आज उनको मन किया तो वो लेके आए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, फटाफट से मैं क्लीन कर लूँगी और क्लीन करके इसको थोड़े देर के लिए रख दूँगी। और रखने के बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ प्याज कट करने। तो मटन है तो प्याज की मात्रा हम लोग थोड़ी ज़्यादा रखते हैं। अगर 1 kg मटन है तो कम से कम 1/2 kg से अभव थोड़ा सा प्याज लगता है क्योंकि प्याज की क्वान्टिटी मटन में ज़्यादा रखनी चाहिए। इससे क्या है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब ग्रेवी लगता है और ग्रेवी थोड़े से थिक रहती है तो अच्छा लगता है। तो थिक तभी रहेगी जब आप प्याज का क्वांटिटी इसमें ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज काट ले रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ना प्याज काटते समय ना इतना ज़्यादा आंसू आता है और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता होगा, सभी के साथ होता होगा। तो इससे इसका कोई भी तोड़ होगा तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से प्याज काटते समय आंसू ना निकले। मुझे पता है बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो मुझे देख रहे हैं उनको इसका नॉलेज होगा कि क्या करने से प्याज से मतलब आंसू नहीं निकलते हैं। ऐसे बहुत सारे घरेलू नुस्खे तो मैंने सुने हैं मगर जितना भी मैंने अप्लाई किया है ना कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि प्याज कट करके उसको पानी में डाल देने से ना थोड़े से उसकी जो तीखापन है ना वो आँखों को कम लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप प्याज को स्टार्टिंग में ही कट कर दो और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस काटो तो इससे भी जो आंसू है ना वो नहीं निकलते हैं। लेकिन ये सारे पैतरे ना मेरे पे सारे के सारे फेल हो जाते हैं क्योंकि जितना भी कोशिश करो आंसू तो निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पे मेरा प्याज जो है वो कट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मसाला जो है वो उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ऐसे तो मसाला हमेशा ही हमारे पास अवेलेबल रहता है क्योंकि इतना मॉर्निंग में मतलब काम का प्रेशर रहता है ना कि हम लोग रोज़ रोज़ मसाला तो पीसते हैं नहीं। यहाँ पे एक ही बार में हम लोग मसाला थोड़ा पीस के ना उसको फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ये मटन बनाना था तो मुझे फ्रेश मसाला चाहिए था। तो यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन का जो पेस्ट तैयार करूँगी। वैसे फ्रेंड्स, बता दूं कि मैं गर्मियों के टाइम पे ना अदरक का इस्तेमाल बहुत कम ही करती हूँ। जब नॉनवेज बनाना होता है ना तभी अदरक का इस्तेमाल करना रहता है। ऐसे ठंडे में हम लोग अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि चाय वगैरह में ना अदरक का इस्तेमाल रखता है। ऐसे गर्मियों में नहीं क्योंकि अदरक जो होता है ना वो शायद गर्म होता है तो इसका ज़्यादा यूज़ ना करें तो ही बेटर है। और यहाँ पे ये देखिए, मसाला जो है वो मैंने पीस लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी ना, अलग से पहले जितने मसाले जो मुझे मटन में डालने हैं उसको मैं अलग से एक कटोरे में निकाल देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना नॉन वेज और वेज दोनों ना अलग अलग बर्तन में बनता है। उसको हम लोग जो आप अगर नॉन वेज बनाएंगे ना तो हम लोग वेज के साथ उसको टच नहीं कर। यहाँ पे मैंने मसालों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर भी ले लिया है और साथ में नमक, ये सारे मैंने अपने अंदाज से लिया है। नमक जो है वो स्वाद अनुसार लिया है और लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी क्योंकि नॉन वेज है और वो भी मटन तो वो थोड़ा सा तीखा रहेगा तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं साबुत मसाले भी ले रही हूँ। यहाँ पे तेज़पत्ता, लाल मिर्च एक और गरम मसाला जो है साबुत गरम मसाला और साबुत जीरा ले ली हूँ। अब यहाँ पे मैंने
कुकर चढ़ा दिया है, क्योंकि मटन जो है ना वो कुकर में ही बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब तक कुकर गर्म हो रहा है तब तक मैं उसमें थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है, क्योंकि मटन का खुद का भी तेल होता है तो उससे वो रिलीज़ होता है ना, जिसकी वजह से तेल बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इसके बाद इसमें मैंने सबसे पहले डाला है हींग, और जितने भी साबुत मसाले हैं उसको मैंने इसमें डाल दिया है। जब तक वो थोड़े से चिटकने लग जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। कटा हुआ प्याज डालने के बाद ना उसको थोड़ा सा फ्राई करते रहना है। यहाँ पे आप देखिए मैंने गैस का फ्लेम जो है ना अभी तेज़ रखा है, और इसको कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि जो हमारे जो प्याज और जो खड़े मसाले हैं ना वो जले नहीं। और थोड़े देर बाद जितने भी मटन है ना मैं इसमें डाल दूँगी और उसको फिर चला दूँगी। तो इस तरह करके ना मैं अपना हम लोग घर में मटन बनता है। आप लोग घर में कैसा बनता है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई अपने तरीके से बनाता है। तो ये देखिए जितने भी मसाले मैंने निकाले थे ना एक छोटे से बाउल में, उसको मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी भी इसमें लेके डाल देती हूँ ताकि जो मसाला है ना वो जले नहीं। क्योंकि अगर आप सूखा मसाला डालेंगे ना तो तुरंत वो ना जलने लग जाता है। कभी भी आप कोई भी सब्जी बनाएं चाहे नॉनवेज बनाएं ना, तो अगर सूखा मसाला डालना तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी उसमें ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे ना वो जलेगा नहीं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना मैं ढक्कन लगा दूँगी कुकर का, और एक सीटी लगने का वेट करूँगी। और यहाँ पे मैंने ना क्या किया, गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया है, क्योंकि सीटी लगाना है तो गैस का फ्लेम तेज़ ही रहेगा तो ठीक रहेगा। सीटी हम लोग इसलिए लगाते हैं ना ताकि मटन जो है स्टार्टिंग में ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और बाकी जो मटन जो गल जाएगा वो अगर हम उसको कंटिन्यू बनाते रहेंगे ना, मसाला जब पकते रहेगा तब मटन और भी गल जाएगा। ऐसे में मटन जल्दी गलता नहीं है, क्योंकि मटन है ना तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम कुकर में एक सीटी पहले लगा दें या फिर मटन भुनने के बाद में सीटी लगा दें तो वो मटन जो है वो जल्दी गल जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में क्या करती हूँ ना कि पहले ही स्टार्टिंग में ही सीटी लगा देती हूँ, ताकि जब वो फ्राई हो जाए तब तक वो मटन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और मटन का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मटन कच्चा रहेगा या सॉफ्ट नहीं रहेगा तो ये हमारे पेट के लिए ठीक नहीं होगा। हम मतलब इसको खाने के बाद तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मटन का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। मटन अगर हम पका रहे हैं तो सबसे पहले उसको पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही मटन में एक सीटी लगा, यहाँ पे मैं फटाफट से जो है ना प्रेशर को खोल दे रही हूँ। ये देखिए फटाफट से सीटी ओपन करके मैं कुकर को खोल देती हूँ, और फिर क्या करूँगी ना गैस का फ्लेम लो करके कुकर का ढक्कन ऊपर से जस्ट ऐसे कवर अप करके मैं उसको रख दूँगी, और वो धीरे धीरे गलता रहेगा और धीरे धीरे उसका मसाला भी जो है वो पकता रहेगा। तो ये देखिए मैंने क्या किया है ना, गैस जला के गैस का फ्लेम ये देखिए मैंने लो कर दिया है, और ऊपर से ये हल्का ऐसा ढक्कन लगा दिया, कवर अप पूरी तरह से नहीं किया, और बीच बीच में मैं आके इसको चलाती रहूँगी। यहाँ पे मटन जब तक गल रहा था तब तक मैं बाकी घर के भी जो काम है ना वो भी करते जा रही थी, क्योंकि सिर्फ मटन बनाने के लिए अगर मैं रुक जाऊँ ना तो बाकी काम जो है वो अटक जाएंगे, क्योंकि मटन जो है वो बहुत देर तक बनता है। तो इस तरह करते करते ये मटन जो बन रहा है वो पूरी तरह से बन चुका है, और जैसे ही मैंने इसको खोला ना इसका जो वेपर है वो मेरे मतलब स्क्रीन पे आ गया था, ये मतलब लेंस के ऊपर, कैमरे के लेंस के ऊपर आ गया था। तो इसको मैंने क्लीन किया, और यहाँ पे ये देखिए फाइनली मैं जब नहा के फ्री हो गई तो यहाँ मटन भी बन चुका है। और अब मैं इसको क्या करूँगी, फटाफट से जल्दी से हस्बैंड के लिए सर्व करूँगी, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है और लंच का भी पूरा टाइम हो चुका है, इवन लेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं निकाल के चेक कर रही हूँ कि मटन जो है वो गल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मटन है वो पूरी तरह से गल चुका है। इसका भी आप कलर देखिए, कलर भी पूरा आ चुका है। यहाँ पे अभी मैंने एक बूंद पानी भी नहीं डाला है, ये अभी सूखा ही है, क्योंकि हस्बैंड जो है अभी इसको रोटी के साथ खाएंगे। तो अगर आप रोटी के साथ खाते हैं ना तो इसको सूखा सूखा खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से आज का ये मैंने ये आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कोई भी सजेशन होगी, कोई भी बातें होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मुझे मोटिवेट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय।